क्या बनाने लगे? हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका स्वागत है। तो आज मैं मसूर दाल, ये देखिए आधा कप दाल को मैं सोक कर दी हूँ और बहुत अच्छे से दोनों को वॉश कर दी हूँ और नोनी के साग का एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए तेल चढ़ा दी हूँ, मस्टर्ड ऑयल, हींग डाली हूँ और एक प्याज, एक टमाटर, जिंजर गार्लिक के सारे को डाल के आप अच्छे से भून दें। तो चंदा प्रसाद के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ, लंच खाली थी भाई, डेली अभी खाली की ब्लॉग लेके आती हूँ, फटाफट फटाफट बना के चली जाती हूँ। तो लोग बोलते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी, तो चलिए अच्छे से बना दे रही हूँ मैं। और सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैं डाल दी हूँ और इसमें मैं ये दाल को डाल देती हूँ। को बहुत अच्छे से मैं स्ट्रेनर में डाल के 5 मिनट धो दी हूँ। बहुत सारा इसमें डस्ट निकलता है, तो बहुत अच्छे से आप इसे वॉश करें। और मैं चुन बीन के इसे देखिए कट कर दी हूँ, डाल देती हूँ। अच्छे से भून चुका है, नेक्स्ट मैं इसमें पानी डाल दी हूँ आधा कप और कवर करके इसे पकने देती हूँ। तो गाइस ये देखिए नोनी का साग विथ मसूर दाल। आज फ्राइडे है तो भाई फ्राइडे स्पेशल आज लंच की थाली तैयार हो रही है, जिसमें ये हमारी रेसिपी है। अभी बनी नहीं है, इसे मैं और पका देती हूँ। मछली का अंडा का क्या कर रही हूँ? इसका मैं आप फिश भी मैं मंगाई हूँ फ्रेंड, तो फिश अभी बनाई नहीं हूँ मैं, पकौड़ा बना लेती हूँ। तो मछली का अंडा है, प्याज कट की हूँ, एक हरी मिर्च डाली हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हल्दी और कॉर्न फ्लावर और 2 चम्मच मैं इसमें चावल काटा, मिक्स करके सारे मसालों के साथ ये देखिए मिक्स कर देती हूँ। और पकौड़ा गर्मा गर्म, भाई बरसात का मौसम है तो कुछ तो बनना चाहिए। ये वाह, अभी मैं इसमें घी डालूंगी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के इसे डिश आउट करूंगी। तो ये हमारा मसूर दाल विथ नोनी का साग बना है, इसे कवर कर देती हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी, आजकल तो मैं बिल्कुल हेल्दी रेसिपी लेके आती हूँ। और इसे मैं साइड कर देती हूँ और अपने पकौड़े को तल लेती हूँ। मैं मार को पसा दी हूँ, इसको इधर कर देती हूँ, सर चावल का आटा डाल दिया, इसकी हुई अजवाइन। साथ के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम के तो गैस देखिए कड़ाही में चला जा रहा है। आप जब भी पकौड़ा डालें तो धीरे से हाथ नीचे ले जाके डालें ताकि आपके हाथ पर पड़े नहीं। बन गया मछली का अंडा, देखिए कितना अच्छा बना है गाइस। इसमें आप राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर से बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है। बेसन जरूरी नहीं कि बार बार बेसन खाने से यूरिक एसिड भी थोड़ा बढ़ता है, जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो आप ऐसे बना लें, कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर में बना के खाएं, बहुत टेस्टी, सबका जुगाड़ है। और ये बन रही है आज हमारे किचन में फ्राइडे स्पेशल, मैं लंच की थाली लेके आई हूँ। आजकल मैं डेली ला रही हूँ बट फटाफट वाला तो अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी बना के बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज सोची कि नहीं आज मैं ब्लॉग बना देती। तो देखिए दाल भी हमारा हो गया, राइस भी हो गया है, कद्दू का फोरन वाला सब्जी भी मैं बना चुकी हूँ। वाह क्या बात है, बन गया। यस, कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लोर का पकौड़ा बना है ये, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी, आवाज़ सुनिए देती हूँ। कद्दू की, धनिया पत्ता और जीरा का फोरन वाला सब्जी, बस एक हरी मिर्च डाल के मैं इसे बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आज कद्दू लेके आई हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जी डेली मैं अपने लंच में इंटेक करती हूँ। दाल में तड़का मारेंगे थोड़ा सा घी से, यस घी और हींग लगा देते हैं और उसी से तड़का मार देते हैं। ये अमूल का काऊ घी फ्रेंड मैं ली हूँ और हमारी थाली अब लग रही है। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बनाई हूँ, थाली लगा ली, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च,
बिना कश्मीरी मिर्च का नहीं होता है। हाय सासे मेरी यही तेरी सासे बोल हल्के, आज मैं इस पर रील बनाऊंगी, बहुत सुंदर गाना लगता है। हल्के हल्के बोल हल्के, बिना कश्मीरी मिर्च का नहीं होगा ये, नहीं होगा। कश्मीरी बिहारी मिर्च, बिहारी मिर्च डालो ना, लाल मिर्च। और देखिए ये बन चुका है और मैं इसमें अपने दाल में, वाह क्या बात है, डाल दी। थाली तैयार हो गया। यस, तो देखिए गाइस, आज की हमारी रेसिपी थी नोनी का साग विथ मसूर दाल। चूंकि रहता है आज फ्राइडे का दिन, तो मैं दाल मसूर बनाती हूँ जरूर। और ये पकौड़ा एकदम मस्त है, बहुत टेस्टी, बहुत यमी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लोर के साथ। और ये दाल बनी है, और ये कद्दू फोरन वाली, दही और सैलेड है। तो अगर आपको आज की हमारी ब्लॉग अच्छी लगी हो लंच थाली की, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24, माई फेसबुक पे चंदा प्रसाद। दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलते हैं इसी तरह फटाफट हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।